हेलो हेलो। हाँ यस सर, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस ओके सर, आई एम संदानी सार फ्रॉम न्यूज मोमेंट इंग्लिश एंड आई एम गोना आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन। ओके सर, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स दैट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हैज टेकन टू सर्व द पीपल इन दिस आवर ऑफ नीड? Our biggest working is in the field. So you can even talk in English or Hindi as whatever language. अच्छा ठीक है, I am comfortable in more comfortable in Hindi, so okay, I will speak in Hindi. Yes sir, you can. हमारे सबसे बड़ा हमारा काम रहा है साउथ बंगाल में रानीगंज सबसे बड़ी मंडी है, अनाज की मंडी हो, खाने पीने के सामान की जो मंडी है, और यही नहीं झारखंड के एक पार्ट में भी यहाँ से खाने पीने का और अन्य सामान जाता है लाइफ स्टाइल से संबंधित। तो आज पिछले एक महीना से हमारे रानीगंज के चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम सारे व्यापारियों को एक माहौल बना रखा है जिससे न कोई माल की कहीं ना कहीं कोई शॉर्टेज है और न कोई भी दाम बढ़ पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे व्यापारी वर्ग की। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स इसमें पास की व्यवस्था और प्रशासन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए ताकि इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान, अवेयरनेस का प्रोग्राम, और अगर कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है लोडिंग अनलोडिंग को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, तो एक अच्छा माहौल का निर्माण हो पाया है जिससे व्यापारी रेगुलर माल मंगा रहे हैं, चाहे वो दाल के हो या अनाज के हो या अन्य वस्तुओं के हो, तो इससे सामान की कहीं ना कहीं कोई कमी हो पाई है और ना दाम बढ़ पाए, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पीपल रिस्पॉन्ड टू योर सर्विस? लोग बहुत खुश है, यही नहीं रानीगंज ही नहीं आसपास के अंचल में लोग काफी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक अनिश्चितता का बादल था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लोगों के लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही इसके साथ ही रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रेगुलर पिछले एक महीना से सैनिटाइजेशन का ड्राइव चलाया हुआ है जिसमें रानीगंज और आसपास के अंचल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें पुलिस स्टेशन, रानीगंज म्यूनिसिपैलिटी, LIC ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, 10 बैंक, 32 राशन MR शॉप की दुकानें, इसके साथ ही पंचायत ऑफिस, BDO ऑफिस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, ये सब में हम लोगों ने सैनिटाइज, आसपास के ग्राम जिसमें पंजाबी मोड़ में आमरासूता ग्राम हो या आसपास के जो नियर बाई ग्राम्स है गांव, उनमें हम लोगों ने सैनिटाइज किया है। आज भी जो आपको बताऊं मैं कि कल जो कोटा राजस्थान से बसेज आई हैं वो सिटी रेसिडेंसी होटल में स्टूडेंट्स को वहां पर ठहराया गया था जिसमें सैकड़ों लोगों ने होटल में रहे थे। आज करीब 300 से 400 लोग उन बसों में भर के राजस्थान की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। तो प्रशासन के अनुरोध पे हम लोग आज सैनिटाइजेशन के लिए अपनी टीम को भेज रहे हैं ताकि उस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जा सके। तो ये सप्लाई चेन को बनाए रखना, सैनिटाइज करना, लोगों को अवेयर करना, व्यापारियों को मुद्दों को सरकार के और विभिन्न डिपार्टमेंट के समझ रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज होने पर तुरंत उसका सोल्यूशन निकालना, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था चेंबर की तरफ से की गई है, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पे हम लोगों ने की है, किसी का भी कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, किसी का डायलिसिस हो या किसी तरह की कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो तो कॉल वो लोग हम लोगों ने कुछ नंबर यहाँ सर्कुलेट कर दिए हैं, पब्लिसाइज किए हैं, जिसमें वो लोग कॉल करते हैं और हमारी टीम उनको एम्बुलेंस भेज देती है ताकि वो अपने मेडिकल फैसिलिटीज को वो अवेल कर सके। कई और फैसिलिटी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हमारे व्यापारियों और आम जनों के लिए दी है, किसी को कोई भी चाहे वो पुलिस स्टेशन से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, जिसमें व्यापारी लोगों का जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी रानीगंज से माल बेचता है बनपुर के किसी व्यापारी को और बनपुर से वो पैसा जमा नहीं ले रहा है स्टेट बैंक में, तो हम लोगों ने बैंक के समस्या उठाई और बैंक तुरंत इसके सोल्यूशन के लिए तत्पर हुआ जिससे व्यापारी यहाँ से आराम से माल भेज पा रहा है और वहाँ से पेमेंट बर्नपुर से ट्रांसफर हो जा रहा है। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो पाई है। 40 क्वारंटाइन पर्सन जो रानीगंज में BDO ऑफिस के द्वारा यहाँ पर रखे गए थे उनको पिछले एक महीना से दो टाइम का फूड जो कि बेहतरीन क्वालिटी का फूड है वो हमारे चेंबर की तरफ से दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर कोई ऑफिस से आपका कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल रूम से या कहीं से कोई रिक्वेस्ट आती है कि उस एरिया में फूड नहीं है या फिर उस एरिया में वो आदमी किसी को खाना नहीं मिल रहा है,
तो हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है और चेष्टा करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा जाए इसमें। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव चेंबर ऑफ कॉमर्स फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन द सर्विस टू द मैनकाइंड ड्यूरिंग लॉकडाउन फॉर COVID-19? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर, हैव चेंबर ऑफ कॉमर्स फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन द सर्विस टू द मैनकाइंड ड्यूरिंग लॉकडाउन of COVID-19? Any problems that you face during this time? No. We have received so much cooperation from all sectors of the society as well as from administration that we are so excited and full of energy, our team, that we were not expecting such type of cooperation. Even in terms of voluntary services, their support from homes, all types of support. So computers, we are getting so much सपोर्ट, जैसे हम लोगों को अगर कोई टाइपिंग का अगर जरूरत हो, कुछ लेटर का टाइपिंग करवाना हो, तो हर तरह का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड रहा है हमारे लिए। और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी, चूंकि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स साउथ बंगाल ही नहीं, बंगाल का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कलकत्ता के बाहर, तो हम लोग अपने कार्य को काफी अच्छी तरीके से अंजाम दे पाए हैं। तो मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ का इसमें कुछ नहीं है, चूंकि वी आर कमिटेड फॉर द सर्विस टू द सोसाइटी स्पेशली एट दिस जंक्चर ऑफ पेंडेमिक। सो आई डोंट थिंक सच दैट वी आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, वी आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट बिजनेस इज फेसिंग नाउ एंड व्हाट विल दे हैव टू फेस आफ्टर लॉकडाउन? देखिए, इसमें दोनों बात है, अभी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है और आगे जो होने वाली है। इसमें विशेष रूप से व्यापारियों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, माल को मंगाना और माल को प्रॉपरली खाने पीने के सामान के और जनरल आइटम की चीजों के, और इसको जनरल वे में डिस्ट्रीब्यूट करना, मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नॉर्म्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें विशेष रूप से मास्क पहनने को जरूरी करना, ग्लोव्स पहनना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और हेल्थ और हाइजीन को, क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन करना, इसका हम लोगों ने रेगुलर अवेयरनेस कर रहे हैं थ्रू हम लोग विजिट टू द शॉप्स एंड स्टॉल्स एज वेल एज हम लोग कुछ स्टिकर्स बनाए हैं, वो स्टिकर्स के द्वारा उनको रेगुलर हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं। तो बिजनेस में बहुत अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक और पुलिस डिपार्टमेंट काफी अच्छी तरीके से सहयोग कर रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सप्लाई चेन को बनाया रखा जा सके, जो बहुत बड़ी एक जरूरत है इस समय में। सर, सिर्फ फूड में नहीं, जैसे और सब दुकानों में उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा? नॉन एसेंशियल आइटम्स में अभी तक चूंकि कोई ऐसा ओपन नहीं हो रहा है, तो जो प्रॉब्लम जब आएगा, जब वो खुलेंगी तब प्रॉब्लम आएगा। सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था है, चूंकि हमारे पास भी अब एक्सपीरियंस टू सैनिटाइज द सिस्टम, तो हम लोग के पास बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आता है, जैसे यहाँ से आसनसोल तक हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। निगाह चांदा में जो ACP के ऑफिस है, ACP ट्रैफिक, CI रानीगंज, त्रिपुर थाना, सब जगह हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। तो आज क्या है कि सैनिटाइज जब दुकानें खुलेंगे तो सबसे पहले उनको सैनिटाइज करना, बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करना, कैश फ्लो को मेंटेन करना, ये सब चीजें जरूरी है, जिसके लिए हम लोग अपने तरीका से तैयारी कर रहे हैं। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को विशेष रूप से बैंक और इलेक्ट्रिक के मिनिमम चार्ज से संबंधित हमारी जो चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी में मिनिमम चार्जेस को वेव कर दिया जाए, बैंकों के EMI को 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए डेफर कर दिया जाए, इस दरमियान अगर टैक्स EMI इंटरेस्ट अगर फ्री कर दिया जाए, इसके अलावा कई और हमारी इसमें डिमांड है जो हम लोगों ने विभिन्न डिपार्टमेंट, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, PM साहब और CM और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, सबको हम लोगों ने लिखा है, और आता है कि एक दो दिन में इसकी समस्या का जल्दी जल्दी समाधान होगा। यही नहीं, हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है जिन्होंने लोन ले रखा है, उसका 25% का हम लोगों ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है ताकि वो अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे सके। इसमें स्टेट बैंक 10% का इंक्रीमेंट किया, बाकी बैंकों की हम लोग आशा में है कि जल्दी वो लोग भी कुछ ऐलान करेंगे। एक दो दिन में MSME से संबंधित मैं आपको बताऊं कि ई-पास की व्यवस्था की गई है, और जिसका रिजेक्ट हो जा रहा है उसका हम लोग DM साहब के पास जाके वहां से अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री जो खुल नहीं पाई है विभिन्न कारणों से, उसके लिए हम लोग DM साहब के पास, हम लोग सोमवार को टाइम मिला है, हम लोग सोमवार को जाके फिर उनसे बात करेंगे। और कुछ लोग जो स्टैंडर्ड है, जिसमें आपके कोटा से तो स्टूडेंट्स आ गए हैं, ये रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी डिमांड थी, कल हम लोगों ने बंगलोर से स्टूडेंट की डिमांड की है, और एक जो मैं आपके
मीडिया के माध्यम से मैं हमारी दुबई की मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कॉल पे यहाँ पर जो राजस्थान के लोग फंसे हुए थे उनको भेजने की व्यवस्था उन्होंने उन्हीं बसों द्वारा की है। ये बहुत अच्छा उनके द्वारा गेस्चर है। इसके साथ ही हम लोग कई लोग आपके वहाँ चेन्नई के पास आए हैं। हाँ, काफी कम्फर्टनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर, और उनका फीडबैक काफी अच्छा है। यहाँ तक कि वो चेन्नई में काफी लोग फंसे हुए हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे, हम लोग उसके लिए भी लिखने जा रहे हैं दीदी को, और आशा है कि इसमें कुछ लोगों को कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। अभी तक जो लेवल ऑफ सपोर्ट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर लेवल पे रेगुलर उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, और इंटरनल में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें तो पब्लिसाइज करना हर समय संभव नहीं होता है। आवर टीम इज डूइंग एक्सीलेंट, और जैसा कि डीएम साहब का बोलना है कि हम लोग इससे और बेहतर अगर कर सकें, जिसमें हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि और कुछ अगर वो बोलते हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने किया है यहाँ पर आदिवासी इलाकों में, विशेष रूप से अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अगर फीडबैक आता है तो हम लोग उसमें करते हैं। सर, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर डिमांड्स टू स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट आर योर फॉरवर्ड डिमांड्स दैट यू आर थिंकिंग टू पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? कुछ शॉर्ट टर्म की हमारे डिमांडे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की हमारे डिमांडे हैं, विशेष रूप से बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। बिजनेस में दो तरह के बिजनेस हो गए, ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री कम्युनिटी, दोनों की अलग अलग डिमांड है। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड ये है कि उनके कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए जो भी संभव हो, जिसमें ईएमआई अगर कोई लोन लिया हुआ तो ईएमआई का डिफरमेंट, और जो लोन नहीं लिया है उसको फौरी तौर पर 25% उनको फौरी तौर पर कुछ लोन देने की व्यवस्था की जाए आसान शर्तों पर या फिर बिना सिक्योरिटी के, पहली डिमांड हमारी ये है। और कुछ माहौल ऐसा बनाया जाए ताकि ऑनलाइन कंपनियों के छोड़ के जो ऑफलाइन कंपनियां हैं उनको एक बेटर वे में एक एनवायरमेंट अच्छा मिल सके, क्योंकि बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं छोटी जो पारा गांव की दुकानें हैं जो ऑफलाइन माल बेचती है उनको कहीं ना कहीं उनके द्वारा तकलीफ पहुंचने की काफी संभावनाएं हैं, तो इनके हितों को सुरक्षित रखा जा सके, ये हमारी ट्रेडिंग के लिए है। इंडस्ट्री के लिए हमारी डिमांड है, कई डिमांड है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकों से संबंधित जो है 25% कम से कम उनका जो लोन का जो अमाउंट है उसमें 25% की बढ़ोतरी की जाए, तुरंत ईएमआई का डिफरमेंट किया जाए, ईएमआई को 3 या 6 महीना के लिए रोका जाए, और आपका इंटरेस्ट अगर संभव हो तो माफ किया जाए या रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाए, और इसके साथ ही मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का जो मिनिमम गारंटी चार्ज है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से, जो 23 तारीख से 23 मार्च से हम लोगों ने किया है तब से लेकर, उसको माफ कर दिया जाए। इसके साथ ही जो पैसा व्यापारियों का फंसा हुआ है, चाहे जीएसटी रिफंड हो या अन्य रिफंड हो, वो जल्दी जल्दी वापस दिया जाए, और कई पॉइंट्स को हम लोगों ने लिखा है, अगर आप चाहते हैं तो रिटर्न में हम लोग आपको भेज सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। Please like, comment, share and subscribe our channel News Moment English and press the bell icon.